Hi dear friends and students, welcome back to my YouTube channel, welcome knowledge. आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज के नए टॉपिक की. दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूज ऑफ अपीयर. दोस्तों अपीयर की हिंदी क्या होती है. दोस्तों अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस में आ जाए दिखाई पड़ना, मालूम होना, जान पड़ना, लगना, तो तब वहाँ पे हमें अपीयर का यूज करना होता है. दोस्तों अपीयर और सीम दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कैसे कि कहाँ पे सीम लगाना है, कहाँ पे अपीयर लगाना है. तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंस बताया था अपीयर और सीम के बीच में. तो अगर आपको नहीं पता है कि सीम और अपीयर के यूज हम कैसे करते हैं, दोनों में क्या अंतर है, तो आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं. अब दोस्तों ये अपीयर का मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ और जो सीम है उसका हम अलग वीडियो में अलग वीडियो बनाएंगे. तो दोस्तों हम सबसे पहले आज बात करते हैं यूज़ ऑफ अपीयर की. दोस्तों यहाँ लिखा है यूज़ ऑफ अपीयर. अपीयर यहाँ पे दोस्तों इसकी हिंदी होती है दिखाई पड़ना, मालूम पड़ना, जान पड़ना, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे हमें लगाना होता है अपीयर. अब दोस्तों होता है यहाँ पे क्या है कि अपीयर वाला जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस देखने में तो हमें लगते हैं कंटिन्यूअस, कभी कभी प्रेजेंट डेफिनेटिव में आ जाता है. तो हमें अगर कंटिन्यूअस लगे, वो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो हम उसको कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे. अपीयर का यूज और सीम का यूज हम कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं. दोस्तों मैंने बताया भी था इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अपीयर और सीम दोनों क्या हैं, स्टेटिव वर्ड हैं. दोनों क्या हैं, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं और जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उनमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं. इसलिए इसका यूज़ हम या तो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में और या करेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिटिव में. कंटिन्यूअस में इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट फर्स्ट की. दोस्तों कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हमने क्या दिया, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं थ्री. तो थ्री स्ट्रक्चर्स हम पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल्स. दोस्तों यहाँ पे लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखेंगे आप अपीयर और या फिर अपीयर्स. अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो आप करेंगे अपीयर्स, और अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तब आप करेंगे अपीयर. इसके बाद में आप करेंगे टू बी और लास्ट में करेंगे अजेक्टिव. लास्ट में क्या करेंगे, अजेक्टिव. अजेक्टिव के पहले हम लोग टू बी लगाएंगे. अब दोस्तों इसका सेकेंड हमारा स्ट्रक्चर है, लिखा है इट, इसी का. दोस्तों होता क्या है, अगर यहाँ पे ये एक सेंटेंस लिखा है तो इस सेंटेंस को हम लोग थ्री टाइप से बनाएंगे. कितने से, थ्री. तो वही मैंने यहाँ पे 1 2 3 मैंने स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और मैं बना के भी दिखाऊंगा कि तीनों से कैसे बनेगा. तो सेकंड नंबर में क्या लिखा है, इट. इट के बाद में आप अपीयर्स लिखेंगे बिकॉज इट इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट. इट इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के बाद में हमेशा अपीयर्स ही आएगा. तो यहाँ लिखा है इट अपीयर्स, उसके बाद में करेंगे दैट, और दैट के बाद में मेन सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट होता है उसको करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर जो भी बच रहा हो वो रखेंगे. फिर दोस्तों यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे लिखा है अपीयर. अपीयर की जगह पर आप लुक कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, अपीयर की जगह पर आप लुक लिख सकते हैं, लेकिन लुक के बाद में टू बी नहीं लगाएंगे. दोस्तों इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना. अब हम लोग बात करते हैं अपने एग्जांपल की. दोस्तों लिखा है तुम बेचैन दिखाई पड़ रहे हो. क्या है, तुम बेचैन दिखाई पड़ रहे हो. आप किसी की बेचैनी को समझ सकते हैं. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, और जहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है वहाँ हम लोग यूज करते हैं अपीयर का. तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, तुम बेचैन दिखाई पड़ रहे हो. देखने में क्या लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे क्योंकि दिखाई पड़ना के यहाँ हम लिखेंगे अपीयर, और अपीयर का यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे. तो दोस्तों इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले लिखा हमने यू. यू प्लूरल नंबर है इसलिए लिखा हमने अपीयर. यू अपीयर, और अपीयर के बाद में क्या लिखा हमने,
टू बी। दोस्तों स्ट्रक्चर हमें क्या बोला, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, अपीयर या अपीयर्स हमने लिख दिया, फिर क्या है टू बी। अब यहाँ अजेक्टिव क्या है, अजेक्टिव यहाँ पे क्या है बेचैन, तो बेचैन की होती है एंग्जस। क्या होती है दोस्तों एंग्जस, ए एन एक्स आई ओ यू एस। दोस्तों ये हमारा होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर का मेथड। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर से हम इसको बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इट, लिख दिया मैंने इट। इट के बाद में आता है हमेशा अपीयर्स, तो इट अपीयर्स। इसके बाद में लिखेंगे हम लोग दैट, सबसे पहले इट लिखा, फिर अपीयर्स लिखा, फिर दैट लिखा। अब मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है तुम यानी कि यू। अब यहाँ पे हेल्पिंग लगाएंगे तो यू आर। अब क्या है एडजेक्टिव यहाँ पे क्या बच रहा है एंग्जस, दोस्तों यहाँ पे एक्स बना हुआ है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इस वाले स्ट्रक्चर की, इससे भी हम इसको कैसे बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे यू, यू के बाद में हम लोग लिख देंगे लुक। अपीयर की जगह हम लोग लुक भी लिख सकते हैं, लेकिन लुक के बाद में टू बी नहीं आएगा, लुक के बाद में टू बी नहीं आएगा, तो यहां हो जाएगा यू लुक एक्सेस। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। दोस्तों यहां लिख रहा है आकाश बेईमान लग रहा है, क्या है दोस्तों आकाश बेईमान लग रहा है। यहाँ पर भी हम लोग अपीयर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, हम किसी भी चीज़ को देख सक रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आकाश, ये कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट है, ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट में आप एक किसी सेंटेंस को तीनों मेथड से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा आकाश, इसके बाद में हम लोग लिखेंगे अपीयर्स, क्या लिखेंगे हम लोग अपीयर्स, आकाश अपीयर्स टू बी, फिर क्या है ये बेईमान, तो दोस्तों बेईमान की हो जाएगी डिसऑनेस्ट, क्या हो जाएगी दोस्तों डिसऑनेस्ट। अब इसको आप सेकंड से बना सकते हैं, थर्ड से बना सकते हैं, सेकंड वाला क्या हो जाएगा इट अपीयर्स दैट आकाश इज डिसऑनेस्ट, और अगर इसका थर्ड बनाएंगे तो यहां हो जाएगा आकाश लुक्स डिसऑनेस्ट, क्या हो जाएगा दोस्तों आकाश लुक्स डिसऑनेस्ट। अब मैं बात करता हूं थर्ड एग्जांपल की, लिखा है वह पागल लग रहा है, तो यहां पे क्या करेंगे वह यानी कि ही, फिर कर देंगे यहां पे अपीयर्स बिकॉज ही इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो ही अपीयर्स टू बी एडजेक्टिव यहां पे क्या है मैड। सेकेंड से इसको इट से भी बना सकते हैं और लुक से बना सकते हैं, तो इसको अगर हमने लुक से बनाते तो ये हो जाएगा ही लुक्स मैड। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट सेकेंड की, सबके साथ टू हैव आएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और लास्ट में आपका आएगा एक्स वाई जेड जो भी बच रहा है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं एग्जांपल से, लिखा है ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक स्कूल है, क्या है दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक स्कूल है, तो यहाँ लगना क्या हो जाएगी अपीयर्स रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इट अपीयर्स, क्या हो जाएगा दोस्तों इट अपीयर्स, फिर क्या करेंगे हम लोग दैट। अब यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट है आप यानी कि यू, आपके पास एक स्कूल है तो यू हैव अ स्कूल। अब दोस्तों अगर मैं इसका स्मार्ट तरीका यूज करूं तब ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले निकालेंगे मेन सब्जेक्ट यानी कि यू, यू के बाद में आ जाएगा पियर, यहां पे सिंगुलर नंबर नहीं है प्लूरल है, इसलिए हम लोग यहां पे एस आई एस नहीं जोड़ेंगे, तो यू अपीयर। अब यहां करो टू और फिर हैव, टू हैव ए स्कूल। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता तब भी यहाँ हम टू हैव लगाते। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की, लिखा है ऐसा मालूम होता है कि दिनेश के पास कौशल है, कौशल या कोई लड़का नहीं कौशल स्किल की बात हो रही है,
ऐसा मालूम होता है तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इट, इट के बाद में अपीयर्स, इट अपीयर्स, फिर क्या है दोस्तों? इट अपीयर्स दैट, फिर यहाँ क्या है? दिनेश, दिनेश सिंगुलर नंबर है तो हैज, फिर क्या हो जाएगा? स्किल। अब अगर इसका हम लोग स्मार्ट तरीका यूज करेंगे तब ये क्या हो जाएगा? दिनेश, फिर क्या हो जाएगा? अपीयर्स, दिनेश अपीयर्स, फिर यहां हो जाएगा टू हैव। सिंगुलर हो या प्लूरल हो आपको परेशान नहीं होना है, आपको हमेशा यहां पे टू हैव का ही यूज करना है। तो टू हैव इसके। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। लिखा ऐसा लग रहा है कि नेताजी के पास धन है, ऐसा लग रहा है कि नेताजी के पास धन है, तो हम लोग इसको बनाएंगे इट अपीयर्स दैट द लीडर हैज धन मनी। अब दोस्तों इसका जो स्मार्ट वर्जन होगा उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले करेंगे द लीडर, सिंगुलर नंबर है तो हो जाएगा अपीयर्स, द लीडर अपीयर्स सब के साथ टू हैव, टू हैव है क्या इनके पास? मनी। दोस्तों कैसा लगा आज का टॉपिक? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।